हेलो क्लास नाइन, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं बेटा अपने नए लेक्चर में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ को और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। ठीक है, न्यूटन्स के दो नियम मैं आपके साथ डील कर चुका हूं, उनको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये आप हो, ये जिसका मास एम है और ये एक बॉक्स है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, और आप इसको क्या करने लग गए हो, पुश करने लग रहे हो। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे बेटा। लेट दिस विल बी एफ इन दिस डायरेक्शन, यस और नो, ये डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड नियम क्या कहता है बेटा कि जब आप एक्शन करते हो, ये आपने एक्शन किया तो आपको वापस क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। ये नेचर का सिद्धांत है बेटा कि जब आप एक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन। ठीक है, तो ब्लॉक भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पीछे की तरफ होगी। क्लियर हो रही है बात आपको? जैसे आप पढ़ते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। क्लियर है, आप खेलते हो तो आपका शरीर अच्छा रहता है, आप बीमार कम पड़ते हो। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो ये सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, और एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है, अब आप देखो स्विमर को, स्विमर तैरते वक्त क्या करता है, अपने हाथ को इस तरीके से करता है, वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो पानी उसको किस तरफ धकेलता है, आगे की तरफ। जितनी तेजी से वो पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा, पानी उतनी तेजी से उसको आगे की तरफ धकेलेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई? एक बॉल लीजिए दीवार के ऊपर, उसको थ्रो कर दीजिए, क्या बॉल ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया जब उसको हिट करेगी वो, हाँ के ना? तो जब बॉल ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया तो अब रिवर्स किसकी बारी है, दीवार की बारी है बॉल के ऊपर फोर्स लगाने की, और तभी बॉल वो रिबाउंड होकर हमारे पास वापस आती है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए रिकॉलिंग ऑफ गन। बेटा जब भी आप गन को चलाते हो तो आप देखते हो कि आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। क्लियर है, हुआ क्या बेटा, मान लीजिए ये गन है, ठीक है, और ये इसके अंदर बुलेट है, तो जैसे ही आपने इसको फायर किया तो अल्टीमेटली फायर हुआ तो बुलेट आगे की तरफ गई, तो बुलेट आगे की तरफ गई क्यों, क्योंकि इस पे इस तरफ क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो मतलब जो गन ने बुलेट के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाया है, आगे की तरफ फोर्स लगाया है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो आपकी बुलेट है वो गन पर किस तरफ फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो मतलब बंदूक किधर आएगी, पीछे की तरफ, और बंदूक को पकड़े हुए कौन हो, आप, तो आपको पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यार बात? ठीक है, चलिए अब देखिए आप इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने फोर्स लगाया था एफ इस ब्लॉक पर, और ब्लॉक ने भी आपके ऊपर क्या लगाया, फोर्स एफ लगाया। ये अगर मैं एक्शन बोलूं और तो ये क्या होगी, रिएक्शन। तो पहली बात जो नोट करने की है, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ पर लगती हैं, हाँ के ना यार? ठीक है, और क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पर मास किसका आएगा, इस ब्लॉक का आएगा, और इस केस में इस आदमी का आएगा। क्लियर है, देखो फोर्स सेम है दोनों जगह, अगर मास अलग अलग होंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग। एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए इस आदमी का मास 50 केजी है और इसका कितना है, 20 केजी ब्लॉक का। ठीक है, और जो फोर्स लगा वो 100 न्यूटन लगा, कितना लगा बेटा, 100 न्यूटन। क्लियर है बात, आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया था तो ब्लॉक ने भी आपके ऊपर कितना फोर्स लगा दिया, 100 न्यूटन। तो फोर्स तो आपके ऊपर 100 न्यूटन लगा, आपका मास 50 है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा, 2। अब यहाँ पर देखते हैं, फोर्स तो इसके ऊपर 100 लगा परंतु ब्लॉक का मास 20 था, तो एक्सेलरेशन इसका कितना है बेटा जी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मतलब इतने एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है बेटा, अमूमन एक बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि अगर मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगाऊं तो दीवार मेरे ऊपर कहाँ फोर्स लगा रही है, मैं तो पीछे नहीं जा रहा हूँ। आप थोड़ा महसूस कीजिए अपनी उंगलियों को, आपको अपनी उंगलियों पर प्रेशर महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दीवार आपके ऊपर फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ। और अगर आपको और अच्छी तरीके से उस फोर्स को महसूस करना है तो स्केट्स पहन लीजिए और फिर फोर्स लगाइए, तो आप देखेंगे आपके पैर पीछे की तरफ फिसलने लगे हैं, यानी आपको महसूस होगा कि दीवार ने भी आपके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ बेटा मैं आप लोगों के साथ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको पता है बेटा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मैंने कल आपको बताया था कैसे लिखा जा सकता है, वी माइनस यू बाई टी। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस यू को उधर लेके जाओ, ठीक है, और टी को नीचे लेके आओ, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर हो रही है बात आपको? तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, वी माइनस यू बाई टी, और अल्टीमेटली फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए फोर्स किसी भी बॉडी पर जीरो लग रहा है, कितना लग रहा है, जीरो। ठीक है, इफ़ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या मैं इस चीज़ को जीरो के बराबर लिख सकता हूँ यार, और टी ऊपर जाएगी और जीरो से गुना होगी तो उसका भी खेल खत्म, हाँ के ना? तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा एम ब्रैकेट में वी माइनस यू, इसकी गुना कीजिए
और इसके साथ भी गुणा कीजिए, तो एम बी माइनस एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो। एम यू को उधर लेके आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्या आया, अगर बॉडी पर फोर्स जीरो लग रहा है तो एम बी इज इक्वल टू एम यू। इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम इफ 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 ओनली फोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात। एक कंडीशन से और आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ बेटा, देखिए जरा, आपके पास दो बॉल हैं मास m1 और m2 की, ठीक है, और ये पीछे है और u1 वेलोसिटी से आगे आ रही है और ये आगे की तरफ जा रही है u2 वेलोसिटी से, ठीक है, सच डैट u1 ग्रेटर है u2 से। मान लीजिए ये 5 है और ये 7 है, तो बेटा पक्का एक समय के बाद ये इससे टकराएगी क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। और टकराने के बाद की सिचुएशन देखिए, इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है v2। मान लीजिए ये हो गई है 4 और ये हो गई है 6 टकराने के बाद, ठीक है, क्यों हुई आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये टकराएगी इसके साथ, क्या इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी, क्या वो फोर्स इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, यार बढ़ाएगा। अब ये वाली बॉल भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और वो फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी, और ये वाला फोर्स क्योंकि अपोजिट है इस वेलोसिटी के, तो ये वाला फोर्स इसकी स्पीड को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो ये v1 हो गई और ये क्या हो गई, v2, सच डैट मैंने लिखा हुआ है कि v2 ग्रेटर देन v1। तो मैंने आपको बताया m1 मास की बॉल u1 से चल रही थी और किससे टकराई, वो m2 मास की बॉल से जो कि चल रही थी u2 से, और ये बिफोर कोलिजन है, टकराने का कोलिजन बोलते हैं बेटा, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है v2। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है u1 ग्रेटर था u2 से और यहाँ पर v2 ग्रेटर होगा v1 से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखते जाइए। देखो बेटा, एक बात निश्चित है, जब ये टकराएंगी तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ना तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो है और ना ही इस बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो है। हालांकि ये बात एक अलग है कि दोनों के ऊपर फोर्स सेम है, डेट इज़ मैग्नीट्यूड वाइड, ये भी एफ और ये भी क्या है, एफ है, ठीक है। तो अगर फोर्स जीरो नहीं है इस बॉडी के ऊपर तो मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता, क्योंकि इस चीज़ के लिए लिखने के लिए कंडीशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो होना मस्ट है, ठीक है। और ना ही ये चीज़ मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, मतलब मैं ये नहीं लिख सकता m1 u1 बिफोर कोलिजन ये है, देख रहे हो आप, इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम क्या है m2 सॉरी m1 इंटू v1। क्लियर है। ये बात लिखना गलत है क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें बेटा ध्यान से कि अगर मैं उस पूरे को एक सिस्टम मानूं, इसको क्या मानूं मैं, सिस्टम, ठीक है, और इस सिस्टम में देखूं तो नेट फोर्स कितना होगा, मतलब मैं दोनों बॉल को अगर इकट्ठे के ट्रीट करूं तो बेटा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, इकट्ठे देखिए इन दोनों बॉल को, तो आपको इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितना नज़र आएगा, जीरो, क्योंकि ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ, ये और इक्वल हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो मैं इस सिस्टम के लिए क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इस सिस्टम के लिए लिखी जा सकती है, अकेले किसी एक बॉडीज के लिए लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। सिस्टम के लिए लिखते हैं बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखिए अब पूरा सिस्टम इकट्ठा कंसिडर करना पड़ेगा, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल स्टेट। क्लियर है बात। तो इनिशियल स्टेट देखिए क्या होगी, m1 u1 और इस बॉल की इनिशियल स्टेट क्या है, m2 u2। क्लियर हो रही है बात। और यहां पर क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल बॉल के लिए इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, परंतु दोनों बॉल को अगर एक सिस्टम लूँ तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो मैं अगर इसको इनिशियल स्टेट मानूँ और इसको फाइनल स्टेट मानूँ तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। क्या आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ये गन है और इसके अंदर एक बुलेट है बेटा, गन का मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है, जैसे ही गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी तो बुलेट भी गन के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मानूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो मैं क्या इक्वेशन लगा सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, चीज़ों को ध्यान से समझते जाओ। इनिशियली बंदूक भी रेस्ट पर थी और गोली भी क्या थी, रेस्ट पर, तो इनिशियली मास ऑफ बंदूक कहूँ तो मैं m है परंतु उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, प्लस
मास ऑफ गोली परंतु उसकी वेलोसिटी जीरो है, क्लियर है। लेकिन जब ये चल गई, लेट गोली भागी इस वी से, क्लियर है बात, और बंदूक पीछे की तरफ भागी कैपिटल वी से, तो जब ये चल गई तो मास ऑफ गोली इनटू वेलोसिटी ऑफ गोली, यस और नो, ठीक है, और ये उस तरफ गई बेटा, हाँ के ना, तो आप कह सकते हैं प्लस कैपिटल एम इनटू वी। देखिए ये तो बुलेट और गन का क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और ये बुलेट और गन का क्या है, फाइनल मोमेंटम। अगर हम इसको सोल्व करें, एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, ये माइनस साइन क्या शो करता है बेटा, कि अगर गोली इस तरफ भागी है तो बंदूक इस तरफ भागी है अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो रही है बात आपको? तो आज के लिए बस इतना ही, इस थ्योरी को समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, क्लियर है। अगर आपको ये थ्योरी समझ नहीं आई है तो वीडियो को दो बार देखना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, क्लियर है बेटा आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।